वीरू एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक नई घोषणा देखने को मिल रही है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य है उस पर बात करेंगे, क्योंकि वहां पर कल ज्वाइनिंग लेटर बीएड अभ्यर्थियों को भी दिए गए हैं। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है देवेश शर्मा जी की तरफ से, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सबसे पहली जो न्यूज लगी हुई है, दरअसल वो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूज है। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है, और इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से शिक्षक भर्ती का जो अकाल पड़ा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अब जो भर्ती का प्रोसेस है उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी की समीक्षा बैठक हुई है, प्रमुख विभागों में रिक्तियों की जो बात है वो की गई है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51,112 पदों की भी बात की गई है। ये दरअसल वही पद है डियर जिनका हलफनामा खुद योगी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा था जब 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी, और उसके बाद हर साल हजारों में रिटायरमेंट्स हो रहे हैं आप देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो बिगुल है वो निश्चित तौर पर बजेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव लगा हुआ है और सरकार वोटबैंक के रूप में कहीं ना कहीं इसको लेने के लिए शिक्षक भर्ती जो पिछले 6 साल से नहीं आई बेसिक विभाग में उत्तर प्रदेश में, उन पर निकालने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं 69,000 में शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में हाई कोर्ट अब सख्त हो चुका है। राज्य सरकार को अवमानना मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को दिया मौका, अनुपालन का हलफनामा दाखिल न होने का जो अफसर है उस पर वो पेश हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो एक अंक कोर्ट के द्वारा इनको सभी को कॉमन किया गया था और उसमें एक अंक में हजारों अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, लेकिन आज तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं दे पाई है योगी सरकार। और कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट की एक तरीके से अवहेलना है, इस पर हाई कोर्ट काफी सख्त टिप्पणियां कर रहा है, अफसरों को बुला रहा है, पेश कर रहे हैं उनको, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हिदायत दी जा रही है कि जल्द ही इनको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आप दीजिए। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 69,000 में चयनित एक अंक वाले अभ्यर्थियों को कब तक शासन स्तर से ज्वाइनिंग लेटर मिल पाता है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मिले नियुक्ति पत्र, सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं देवेश शर्मा जी। मैं भी उन सभी चयनित शिक्षक साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं जो छत्तीसगढ़ में चयनित हुए हैं प्राथमिक लेवल पर, चाहे वो बीएड के हों या डीएलएड के हों। लेकिन पूरा मैटर अभी भी माननीय कोर्ट की शरण में है। आपको बता दूं इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जो इनका नियुक्ति पत्र बटा है उसके सीरियल नंबर 12 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है, आपका जो नियुक्ति पत्र है वो माननीय बिलासपुर हाई कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निश्चित तौर पर इनको, पहले मैं आपको बता दूं वहां की हाई कोर्ट ने बीएड को इनवैलिड कर दिया था और काउंसलिंग इत्यादि में इनको स्टे कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था जब 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एनसीटी का बनाया गया गजट कहीं ना कहीं क्वेश किया गया था। उसके बाद जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे और पूरी तरीके से बात रखी थी अपनी कि नोटिफिकेशन बात का है, हमें प्रक्रिया में अभी फिलहाल शामिल रखा जाए, काउंसलिंग में हमें शामिल कराने का आप आदेश जारी कीजिए। और उनके पक्ष में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अंतरिम फैसला दिया गया था और काउंसलिंग इत्यादि प्रक्रिया में इनको शामिल कराने का आदेश दिया था सरकार को, लेकिन जो इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय होगा वो बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, ये बातें खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। और हुआ वही, ज्वाइनिंग लेटर तक इनको कल बांट दिए गए लेकिन फिलहाल सरकार के द्वारा, लेकिन अभी इनका मामला बिलासपुर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उस पर मेरिट और लॉ पर अभी कहीं ना कहीं जो सुनवाई है, एनालिसिस है वो होना है, लिसन होगा मैटर, और उसके बाद जो इनका अंतिम फैसला होगा वो बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा होगा। जो भी होगा बिलासपुर हाई कोर्ट पर ही निर्भर करेगा कि बीएड के साथी जो चयनित हो चुके हैं, जिनका कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन हो चुका है, प्राथमिक विद्यालय में वो शिक्षक के रूप में तैनात हो चुके हैं, उनका भविष्य में क्या कुछ होगा ये बिलासपुर हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं देवेश शर्मा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल वाली नोटिफिकेशन याचिका थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लैरिफिकेशन को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी और उस प्रोसेस को गलत बता करके जो रजिस्ट्रार ऑफिस से ही उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया गया था,
अब ये क्या कह रहे हैं कि हम एक नई अपील दायर कर रहे हैं और जस्टिस के सामने सुनवाई होगी। मैंने आपको बताया था कि देवेंद्र शर्मा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं स्पष्टीकरण याचिका में कि जो जजमेंट आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें एनसीटी का बनाया गया गजट 28 जून 2018 पेश किया गया है, जिसके बाद से ये लोग प्राथमिक में वैलिड हुए हैं, जिस गजट को आखिरकार वो रद्द कब से माना जाएगा? या 28 जून 2018 से रद्द होगा, या 25 नवंबर 2021 से रद्द होगा जिस दिन से राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको पेश किया था, या 11 अगस्त 2023 से रद्द होगा जिस दिन से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था। इसको लेकर के ये लोग मॉडिफिकेशंस और याचिका दायर करके ये मांग कर रहे हैं कि जो पहले की भर्तियां हो चुकी हैं या जो पेंडिंग हैं उनको पूरी तरीके से आप सेफ जोन में कर दीजिए और 11 अगस्त 2023 से वीएड को इनवैलिड रखिए और आगे 11 अगस्त 2023 से ही जजमेंट प्रभावी हो, ऐसा कुछ ये मांग कर रहे हैं। और बीच के जो अभ्यर्थी है वीएड के वो पूरी तरीके से पात्र हों पीआरटी लेवल में, ये इनकी मांग है। फिलहाल जैसे ही याचिका ली जाएगी अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपने देखा था कि जो पश्चिम बंगाल वाला मैटर था मॉडिफिकेशंस वाला, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चैम्बर से ही उसको निस्तारित कर दिया था। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं ब्रिज कोर्स का जो मामला है एनआईओएस डीएलएड से जुड़ा हुआ, वो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा और उसकी सुनवाई भी होगी। और एनआईओएस ने 2019 तक ब्रिज कोर्स कराया था और उसके बाद एनआईओएस डीएलएड, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में भी बीपीएससी में एग्जाम दिए हैं, केवीएस पीआरटी में भी एग्जाम में वो लोग बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आज जो उनकी जो एलिजिबिलिटी पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने जा रही है कि आखिरकार उनका भविष्य क्या होगा, प्राथमिक में वो कितने स्तर पर क्या कुछ होगा, उस पर जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनके संदर्भ में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा हम आपको अपडेट देंगे। आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होने जा रही है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। हालांकि अब जो मैटर है एनआईओएस डीएलएड का, मैंने आपको बताया था उत्तराखंड वर्सेस बोहरा जी से जुड़ा हुआ है, कल एक अपडेट दी गई थी, आज इसकी सुनवाई होने वाली है और जैसा भी कुछ होगा आपको अपडेट दी जाएगी, लेकिन मैटर काफी संगीन है और जल्द ही आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो ऐतिहासिक कदम है वो फिलहाल उठा सकता है। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।